हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक 20 फीट बाय 50 फीट का आपके लिए नक्शा बना के दूं, काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास। तो आज मैं वही एक प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज है 20 फीट विड्थ है और 50 फीट उसका डेप्थ है और ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को यहां से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं आपके लिए जो नए नए प्लान्स या जो भी नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, वो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए, प्लान ओपन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये प्लान हमारे सामने है जिसमें कि ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का नक्शा दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो भी प्लान बनाते हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे बनाते हैं, हम लोग वास्तु पूरा फॉलो करते हैं। इन केस कहीं पर अगर वास्तु फॉलो नहीं किया जा रहा है तो या तो वहाँ पर जगह की कमी है या फिर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने चेंजेस किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये प्लान सबसे पहले मैं अब आपको बता दूँ, यहाँ पर विड्थ जो है वो 20 फीट है और जो इसका डेप्थ है वो 50 फीट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्किंग, जिसका साइज 8 फीट बाय 14 फीट 8 इंचेस हमने दिया हुआ है, जहाँ पर आराम से एक कार हम पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री होते से ही पार्किंग दिया हुआ है सामने। लेफ्ट साइड में वरांदा दिया हुआ है जहाँ से कि हम ड्राॅइंग रूम के लिए एंटर करेंगे, और वरांदा के आगे हमने गार्डन दिया हुआ है कि हम कुछ ग्रीनरी यहाँ पर दे सकते हैं। तो वरांदा से अंदर चलेंगे ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज है 11 फीट बाय 13 फीट 8 इंचेस, जो कि अच्छा साइज है, इसको हम छोटा नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो सेटिंग दिया हुआ है 3+2+2 7 सीटर का हमने यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है और एक LCD लगाया हुआ है। ड्राइंग रूम से हम घर के अंदर एंट्री करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम वरांदा जो हम और प्लान में देते हैं वो नहीं दे पाएंगे, कि हम एक फॉयर एरिया अलग से नहीं दे पाएंगे कि जहाँ से ड्राइंग रूम की और घर की एंट्री अलग हो, क्योंकि 20 फीट है, काफ़ी कम स्पेस रहता है, तो इसमें हम वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो पहले ड्राइंग रूम में रहेगी, उसके बाद घर के अंदर रहेगी। और दूसरा, हम चाहे तो पार्किंग से दे सकते हैं, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ऐसा था नहीं, तो हमने डायरेक्ट यहीं से दी हुई है। यहाँ से अंदर आने के बाद आप देख रहे होंगे ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स यहाँ से दी हुई हैं। राइट साइड में डाइनिंग एरिया दिया हुआ है और उसी तरफ पूजा दिया हुआ है। डाइनिंग हमने ठीक किचन के सामने दिया हुआ है, तो सर्विंग में आसानी रहेगी, कनेक्टिविटी अच्छी है। सीढ़ी चढ़ने के बाद में सीढ़ी के नीचे हमने कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, हम यहाँ से इजीली जाके हैंड वॉश कर सकते हैं या जो ड्राइंग रूम में बैठा होगा वो व्यक्ति भी कॉमन टॉयलेट को यूज़ कर सकता है। तो दोनों जगह से ये पास में है, सीढ़ी यहाँ पर आके ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ से इसका गेट दिया हुआ है। पीछे हमने किचन और बेडरूम दो चीज़ें दी हुई हैं, जिनकी विंडोज़ हमने वॉश एरिया से दिया हुआ है। दोस्तों, ये पूरा ऊपर तक ओपन रहेगा, यहाँ पे छत नहीं आएगी। तो बेडरूम की विंडो यहाँ दी हुई है, किचन की विंडो यहाँ बनी नहीं है, बाकी यहाँ दी हुई है। और बेडरूम के अंदर टॉयलेट नहीं है, अगर ग्राउंड फ्लोर पे स्पेस हमारे पास कम है तो हम कॉमन टॉयलेट दे सकते हैं जो बेडरूम से कनेक्टिव पास में बनी होगी और प्लस कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड होगी, तो कोई इशू नहीं है कि हमको बेडरूम के अंदर भी एक अटैच टॉयलेट देना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे डाइनिंग के और पूजा के ऊपर एक क्रॉस दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे जो बेस्ट पार्ट है, जैसा कि मैं आपको मेरे हर एक प्लान में बताता हूँ कि हम ब्रिज पैटर्न देते हैं और हम डबल हाइट देते हैं, तो यही है, हमने इस छोटे से प्लान में भी ब्रिज पैटर्न दिया हुआ है। चलिए, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं तो आपको समझाता हूँ कैसे। हम यहाँ से चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन, केवल यही एक ऐसी लाइन होगी जो यहाँ पे स्लैब होगी, छत होगी यहाँ पे, बाकी यहाँ से ऊपर जाना और नीचे आना है और यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पे छत नहीं है। मतलब ये इस छोटे से प्लान में भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होगा, मतलब कि एक बंगलो वाला जो फील हम देते हैं वो हमने इस प्लानिंग में दिया हुआ है। हम चढ़ के यहाँ आते हैं। यहाँ पर दो बेडरूम के गेट हैं, दोनों ही हमने मास्टर बेडरूम बनाए हुए हैं, एक पीछे और एक आगे। और ये जो पार्ट है वो हमारा नीचे बिलो हमारा यहाँ डाइनिंग नज़र आएगा, यहाँ पे पूजा रूम नज़र आएगा, और हम इस वॉल को इतना अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। तो ये बेस्ट पार्ट है इस प्लान का। हम अंदर चलते हैं। पीछे जो एक रूम दिया हुआ है 13 फीट बाय 12 फीट 8 इंचेस का, जो कि अच्छा साइज है, हम छोटा नहीं बोल सकते हैं, और इसमें केवल हमको बेड और LCD यूनिट प्लान करना है। हमने ड्रेसिंग और टॉयलेट अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अटैच ड्रेसिंग 6 फीट बाय 9 फीट 4 इंचेस,
टॉयलेट 6 फीट बाय 9 फीट 4 इंचेज, जिसमें कि शावर एरिया अलग है, यहाँ पर WC आएगा वो अलग है, और वेशन अलग है। मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है हर एक चीज़ का। इसके अंदर भी एक बालकनी दी हुई है हमने जो कि ओपन रहेगी, तो इतना छत इसके ऊपर ओपन रहेगा, तो हम इस रूम में पीछे के रूम में भी हम बालकनी का मज़ा ले पाएंगे। यहाँ पर बेड दोस्तों नॉर्थ साइड में रखा हुआ है, जो कि रखते नहीं है, बट क्लाइंट को एग्री था, उनने बोला हम रख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से बेड प्लान किया है। अगर हम इसको वास्तु के अकॉर्डिंग रखें तो हम वेस्ट में यहाँ पर रख सकते हैं, बालकनी वाला हमको बंद करना पड़ेगा, और इसको हम आर्टिफिशियल गार्डन बना के इस वॉल को पैक करके दोनों तरफ विंडो देके हम बेड की पोजीशन इस तरीके से रख सकते हैं, और टीवी हम यहाँ पे देंगे उस कंडीशन में। तो कोई इशू नहीं था क्लाइंट को, तो हमने ये दिया। चलिए आगे वाले रूम को देखते हैं। आगे वाला रूम 11 फीट बाय 13 फीट 8 इंचेस सेम साइज है। यहाँ आने के बाद फ्रंट में हमने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है, जैसा कि आपने बड़े बड़े फ्लैट्स में देखा होगा पूरा स्लाइडिंग डोर रहता है, वही विंडो का काम करता है, वही डोर का काम करता है। स्लाइड करेंगे तो बाहर बालकनी में आएंगे, 11 फीट बाय 4 फीट 8 इंचेस की अच्छी बालकनी दी हुई है, और यहीं पे हमने सेपरेट ड्रेसिंग एरिया और टॉयलेट दिया हुआ है, जिसमें भी सेम हमने शावर एरिया अलग दिया है, WC अलग लगाएंगे और बेसिन यहाँ पे अलग लगाएंगे। तो मतलब दोनों ही रूम में हमें बालकनी मिल रही है, ड्रेसिंग टॉयलेट अटैच एरियाज मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब मास्टर, बहुत ही लग्जरी लगेगा ये। और चलिए इसके बाद हम टेरेस पर जाते हैं। ऊपर जाने के लिए हम वापस से यहीं से ऊपर जाएंगे, और जैसे हम पहुंचेंगे टेरेस पर, उनकी रिक्वायरमेंट थी एक छोटा सा स्टडी रूम देना है, तो हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ है। पीछे एक टेरेस अलग है, आगे एक टेरेस अलग है दोस्तों। इसका हमने एलिवेशन भी बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मकान जब बन जाएगा तो बनने के बाद कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये इसका एलिवेशन है। यहाँ पर गेट था जो पार्किंग थी, मैं आपको प्लानिंग में भी समझा देता हूँ। ये गेट है, ये पार्किंग है, ये गार्डन और वरांदा है। यहाँ पर गार्डन दिया हुआ है और यहाँ गेट के सामने वरांदा, ये ड्राइंग रूम का गेट है। ऊपर देखेंगे तो बालकनी है स्लाइडिंग गेट के साथ में, ये ड्रेसिंग एरिया है, और उसके ऊपर हमने ये टावर बनाया हुआ है जिससे स्टडी रूम अटैच है। तो हम इसका इस तरीके से एलिवेशन भी बना सकते हैं। एलिवेशन को हम कई तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही बनेगा, इससे अच्छा भी बन सकता है, कलर कॉम्बिनेशन भी हम दूसरा ले सकते हैं, काफी सारी चीजें। तो इस एलिवेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे हमने टाइल्स की क्लेडिंग दी हुई है, और ये हमने ग्रे कलर में दाने उड़ाए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं हम ग्रे कलर करके दाने उड़ाएंगे। हम लोग ग्लास की रेलिंग प्रेफर करते हैं एलिवेशन में, क्योंकि उससे बंगलो फील आता है, अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ पर कुछ प्लांटर्स दिए हुए हैं, थोड़ा आगे करके हम इसको बनाएंगे। ये और खूबसूरती के लिए हमने MS के पाइप लगा रखे हैं, ये भी लाइट कलर दिया है हमने, जिसपे हमने दाने उड़ाए हुए हैं। ऊपर जाके हमने बालकनी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर छत कट कर दिया है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो रेलिंग पार्ट है, यहाँ पे रेलिंग ना देने के बजाय हमने इसी स्टोन क्लेडिंग को कंटिन्यू कर दिया, और यहाँ पे जो दाने वाली वॉल थी इसको भी कंटिन्यू कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने एलिवेशन को बना सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो जो कि आपकी रिक्वेस्ट पर बनाया हुआ था। और भी आपके जो भी आपके पास प्लॉट साइज है, या जो भी आप नक्शा मेरे से चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं, तो उस साइज पर मैं नक्शा बना के यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।